नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटेटिव स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुछ ही महीने में आप देखेंगे कि बहुत सारी भर्तियां एक साथ निकलेंगी, और अगर आप तैयारी नहीं किए रहेंगे तब आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। इन खबरों को आप झूठा मत समझिए और पिछले कार्यकाल की तरह मत समझिए, क्योंकि इस कार्यकाल में बीजेपी की या जो भी सत्ताधीन पार्टी है उसकी कम से कम 325 सीट पिछले कार्यकाल में थी, और इस बार 270, 273 के आसपास है। एग्जैक्ट फिगर मुझे अभी नहीं क्लियर है, याद नहीं है, तो मान चलिए लगभग 50 सीटों का नुकसान हुआ है। तो इन 50 सीटों का नुकसान क्यों हुआ है, तो उसमें एक आकलन ये भी है कि इन्होंने उत्तर प्रदेश के बच्चों के साथ थोड़ा बहुत छल किया था, या बहुत ज़्यादा छल किया था, तो उसी का परिणाम ये था कि इनकी 50 सीटें कम हो गई थी। और अगर नेक्स्ट टाइम भी इनकी 50 से 70 सीटें, 20 और ज़्यादा सीटें कम हो जाती हैं, तो ये निश्चित तौर पर सत्ता में नहीं आ पाएंगे। तो इसी का परिणाम है कि इस वर्ष जैसे ही इनकी सरकार गठन हुआ है, 100 दिन के अंदर सारी भर्तियों का ब्यौरा इन्होंने विभागों से मांग लिया है। तो उत्तर प्रदेश में या किसी भी प्रदेश में या सेंटर में भर्तियों को करने का सबसे पहला प्रोसीजर ये होता है कि जो जो विभाग हैं उनसे अध्याचन मांगा जाता है कि आपके यहाँ कितने पद रिक्त हैं, उन्हीं अध्याचनों के आधार पर भर्तियों को निकाला जाता है। तो ऐसे ही दो पत्र मैं आपको दिखा रहा हूँ, और दोस्तों लगभग हर डिपार्टमेंट से, चाहे जिस डिपार्टमेंट की आप बात कर लें, हर डिपार्टमेंट में इस तरह के पत्र जा रहे हैं। जैसे ही वो पत्र मिलेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये तो सबसे पहला पत्र है उच्च शिक्षा निदेशालय के प्रेषक शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश शिक्षा डिग्री सेवा अनुभाग प्रयागराज। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालयों, राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी प्रयागराज में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के रिक्त पदों की स्वीकृति, कार्यरत रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में, और ये पत्र है 28 मार्च का। उपयुक्त विषयक शासन द्वारा अपने पत्र संख्या इतना इतना के माध्यम से, अब ये देखिए, ये उपयुक्त विषयक शासन द्वारा अपने पत्र संख्या, मतलब शासन के पत्र का ये अनुपालन कर रहे हैं, माध्यम से प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालयों, राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी प्रयागराज में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के स्वीकृत कार्यरत आब्लिक रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध कराए जाने तथा रिक्त पदों के अधियाचन संबंधित आयोग को अतिशीघ्र प्रेषित किए जाने का निर्देश दिए गए हैं। अतः आप अपने कार्यालय एवं अपने क्षेत्रांतर्गत आने वाले समस्त राजकीय महाविद्यालयों से उक्त सूचना संलग्न प्रारूप पर प्राप्त कर संकलित करते हुए पंजीकृत पत्र के माध्यम से अधो हस्ताक्षरी को विलंबतम एक सप्ताह के अंदर, मतलब अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक इनको मिल जाना चाहिए। अभी बाकी इन्होंने प्रारूप का ब्यौरा दिया हुआ है, जो भी इनका प्रारूप रहा होगा देखेंगे। फिर दूसरा पत्र है, और इन्होंने भेजा किसको है, समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को। और क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी किसको भेजेंगे, प्रदेश के प्राचार्यों को, क्षेत्रीय राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी के हेड को, इन सबको भेजेंगे, और उनसे ब्यौरा किस चीज़ का मांगेंगे, शिक्षणेत्तर कर्मचारी। शिक्षणेत्तर कर्मचारी मतलब जूनियर असिस्टेंट, जो इन इन विभागों में जूनियर असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट होती है, जो कि UP SSSC कराता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, प्रेषक कौन है, शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश शिक्षा सामान्य तृतीय अनुभाग प्रयागराज। भेद किसका रहे हैं, समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक प्रथम और द्वितीय को उत्तर प्रदेश में। विषय क्या है इनका, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्या, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता पुरुष आब्लिक महिला एवं सहायक अध्यापक पुरुष आब्लिक महिला के रिक्त पदों का अध्याचन प्रेषित किए जाने के संबंध में। उपयुक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए उल्लिखित करना है कि शिक्षा निदेशक महोदय ने अपने पत्र दिनांक 26 मार्च 2022 द्वारा अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन द्वारा की गई अपेक्षा अनुसार, मतलब मुख्यमंत्री के अपेक्षा अनुसार, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य आब्लिक प्रधानाचार्या आब्लिक प्रधानाध्यापक प्रवक्ता पुरुष महिला एवं सहायक अध्यापक पुरुष महिला के रिक्त पदों का 100%, मतलब जितना भी हो सब भेजिए, अध्याचन कराए जाने की सूचना चाही गई है, एवं जिन रिक्त पदों के प्रति
अधियाचन प्रेषित किया जाना शेष है उन रिक्त पदों का अधियाचन प्रेषण की कार्यवाही पूर्ण कर दिनांक 30 मार्च तक अवगत कराए जाने का निर्देश है। मतलब इस चीज़ में बिल्कुल विलंब नहीं है, वहाँ पे एक सप्ताह लिखा गया था, यहाँ तो मात्र 3 दिन का समय दिया गया है, 4 दिन का समय दिया गया। ये पत्र किस तारीख का है, 28 मार्च का, ये भी पत्र है। इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के इतने इतने पदों के जिन रिक्त पदों का अधियाचन चयन बोर्ड को प्रेषित किया जाना है उनको दिनांक 30-3 तक चयन बोर्ड को प्रेषित करते हुए रिक्त पदों के सापेक्ष कुल प्रेषित अध्यायन की सूचना निदेशालय को उपलब्ध कराए जाने का कष्ट करें। तो दोस्तों, अगर आप अपनी तैयारी धीमी किए हुए हैं, किसी भी प्रकार का कोताही बरत रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ये सब बंद कर दीजिए, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। आप जिस भी पद की तैयारी कर रहे हैं, आप मान चलिए अगले आने वाले 2-3 महीनों में उनका आपको फॉर्म भरना है और कुछ ही महीनों में आपको उसका एग्ज़ाम भी देना होगा। सारे डिपार्टमेंट्स में रिक्तियां निकलने वाली हैं, इसलिए बिल्कुल विलंब मत करिए, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और ये कोई झूठी न्यूज़ नहीं है, ये हर डिपार्टमेंट में ऐसे लेटर्स आ रहे हैं और निश्चित तौर पर भर्तियाँ बहुत ही जल्द निकलेंगी। तो अगर आपको इसी तरह की और अपडेट चाहिए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और इसी तरह से इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।